हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आज हम बनाने वाले हैं बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता। जी हाँ दोस्तों, हम बना रहे हैं कटलेट, यानी कि ब्रेड रोल भी बोल सकते हैं इन्हें। तो हमारे यहाँ इसे ब्रेड रोल बोला जाता है। तो देखिए, मैंने जो ब्रेड ली हैं ये एकदम फ्रेश ब्रेड हैं। मैंने साइड का जो हिस्सा है ब्राउन वाला, उसको कट करके लिया है। और एक ब्रेड को पानी से डिप करके सारा पानी निचोड़ देना है। उसमें ब्रेड में जो है आलू का भरता मैंने रख दिया है, और चारों तरफ से इस तरीके से अच्छे से लपेट देना है। और इसको दबाते हुए जो थोड़ा बहुत पानी बचा है ब्रेड में, वो भी निकाल देना है। फिर उसके बाद में ये मैंने कटोरे में लिया है कॉर्नफ्लोर का घोल। तो कॉर्नफ्लोर के घोल की जगह पे आरारोट भी ले सकते हो, या तो चावल का आटे का घोल बना सकते हो। उसके बाद में डिप करके कॉर्नफ्लोर के घोल में, मैंने डिप करने के बाद में ये जो मैंने ब्रेड का कॉर्नर का हिस्सा निकाला था, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। इसका ये चूरा बनाकर मैंने तैयार किया है। इसी में इसको लपेटेंगे इस तरीके से, जिससे बहुत ही क्रिस्पी ब्रेड रोल बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरीके से बाकी के सारे बना लेंगे। एक बार और दिखा देते हैं। इस तरीके से ब्रेड को एक साइड भिगोना है, उसके बाद में सारा पानी निकाल देना है। फिर उसके बाद में हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब आलू का भरता रखेंगे, और कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करके, और जो है ब्रेड के जो मैंने चूरा बनाया है ब्रेड का, उसमें इसको लपेटेंगे। तो बहुत ही आसान है, कभी भी बनाकर आप खा सकते हो इसे, इस नाश्ते को। तो ये हम मॉर्निंग में बच्चों के लिए, लंच के लिए बना रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टैंड रख के वीडियो शूट कर लें, तो चैनल पे मैंने इसीलिए डाल दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू का जो मैंने भरता बनाया है, उसमें सिर्फ मैंने हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाला है, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और चाट मसाला, और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें तल लेंगे। तो मैंने ये सरसों तेल लिया है इनको तलने के लिए। तो देखिए, एक साइड तल गए हैं, दूसरे साइड इनको तलेंगे और इनको अच्छे से क्रिस्पी करेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो स्लो फ्लेम पर आप इन्हें कर सकते हो, पर अगर इंस्टेंट बनाना है तो दोनों साइड अच्छे से इसको पका लीजिए इस तरीके से। तो ये अच्छे से पक गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो जैसा भी आपका टेस्ट हो, अगर आपको ज़्यादा आलू का भरता पसंद है तो आप अच्छे से इसमें भर सकते हो, ज़्यादा, पर बच्चों के लिए चूँकि हम बना रहे हैं, तो मैंने इसमें आलू का भरता बहुत ही कम मात्रा में डाला है। तो देखिए, ये बनकर तैयार हैं कटलेट। अब जो बाकी के हैं वो भी हम तल लेंगे। तो मैंने ये कटलेट बनाने के लिए मात्र 3 आलू लिए थे, उसी का मैंने भरता बनाया था। और जो है 3 आलू में 6-7 कटलेट बनकर तैयार हुए हैं, यानी कि 7 ब्रेड रोल बनकर तैयार हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। कभी कदार तो इस रेसिपी को हम सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये 3 आलू में 7 कटलेट बनकर तैयार हैं, यानी ब्रेड रोल। तो इन्हें हम एक तोड़कर दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने क्रिस्पी नहीं किया है, क्योंकि इसमें टाइम लगता, और चूँकि हम लंच बना रहे थे बच्चों के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।